तैयारियां हैं? सर विद्यार्थी परिषद की जो तैयारी है, हम पूरे साल छात्रहितों को लड़ते रहते हैं और हमने दिखाया भी है कि किस तरीके से विद्यार्थी परिषद जो रूपों में रहती है किस तरीके से काम करती है। पिछली बार 2 सीट NSON जीते थी और ये चीज़ हम लोगों ने देखा तब विद्यार्थी परिषद की जो नीचे की 2 सीट थी उन लोगों ने क्या काम करा, ऊपर की 2 सीटों ने काम करा है। जो नीचे की 2 सीट हमारी बहन महामेदा नागर जो सेक्रेटरी थी उन लोगों ने उसने सेंटर को फ्री करवाने के लिए जो जब लड़ी उसमें 15,000 छात्राओं की रैली कराई। ये दिखाता है कि विद्यार्थी परिषद कितना सीरियस है छात्रों को लेकर और स्टूडेंट्स को लेकर। ये विद्यार्थी परिषद की जीत है, विद्यार्थी परिषद की दूसरों की जीत है। तो हम चाहेंगे आने वाले टाइम पे स्टूडेंट चारों सीट विद्यार्थी परिषद जीते तो इस तरह के अचीवमेंट आगे दूसरों में बढ़े। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बेसिकली दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में हमारा गाँव है कोटला। पहला सवाल तो यही होता है कि आप रहने वाले कहाँ? मैं यूपी से हूँ, यूपी में बलिया से। आपको भोजपुरी आती है बोले? हाँ पूरा भोजपुरी आवेला आवेला भोजपुरी में बलिया जाओगे एकदम एकदम बदल जाएंगे। बात ही बात की विद्यार्थी परिषद की अब की मेरी हमारी जानकारी में रहे कि शक्ति सिंह लागल बने प्रेसिडेंट पोस्ट पर। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हो गए कि अब वाइस प्रेसिडेंटशिप पर हो गए मामला, तब अब तो विद्यार्थी परिषद के जब हो गए भीतर मामला ओकरा पर का बदलाव, जब आगे विद्यार्थी परिषद के का योजना है? नहीं हमने का संगठन से जुड़ल है, जो संगठन का जवन विचार जवन आदेश रही हुए हमने का सर्वप्रिय है और संगठन का आदेश है उसका हम सम्मान आदर करत ही जा और विश्वास है कि संगठन ने जो सोचा है वो अच्छा सोचा और हम लोग इस बार चारों की 4 सीट भारी बहुमत से जीतेंगे। बुलेट पॉइंट्स में अपना एजेंडा बता दीजिए। हम लोग हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मेट्रो फेयर्स का जो हाइक हो रहा है उसके लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, बस पास के लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और जो लैकन का जो रहना सहना का जो नोला खर्चा हमें रूम रेंट कंट्रोल का हॉस्टल का एक इनकम डिमांड लगातार हमने के करत आई नहीं जा बारी बारी जोरदार तरीका से करे क्योंकि हमने के पता है कि कैसे बाहर से आवे लड़का के कितना परेशानी हो जैसा कि देखल जाला कि जितना किराया ढेर है तो कुल बात के हमने के लेके एकदम चले के सोच। जैसे कि सरकार भी जो केंद्र में बांटे वो भी मोदी जी बने भाजपा के सरकार बांटे बीजा प्रदेश में खुली नहीं थे मगर जो मेट्रो के मांग बा और रेंट एग्रीमेंट या रेंट पर जो सवाल बा ओकरा पर अभी तक ऐसा कोई ऐसा दिक्कत नहीं थे सक्सेस चाहे NSUI की ओर से भी विद्यार्थी भी खाली चौथा बाजार नियन बाजत बा जो हमने के दिखाई देता मीडिया के माध्यम से तो ओकरा पर का तैयारी आपकी मेरी का डिजिटल वर्ष में कई बार बहुत पुरजोर तरीका से विरोध प्रदर्शन कैले है जा और हमनी के आश्वासन मिलल है कि जल्दी से जल्दी हमको बुझा दे कार्रवाइयों में चला था जल्दी से जल्दी मेट्रो फेयर जरूर डिडक्शन हो। थैंक यू वेरी मच। तो आप किस पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हैं और आप किस कॉलेज से हैं यहाँ पर? अभी मेरी जो अभी जो है वो एडमिशन है MA BUSU स्टडीज। इससे पहले ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया? विवेकानंद कॉलेज। तो खासतौर से जैसे पिछले बार भी हुआ था कि विद्यार्थी परिषद यहाँ पर प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं जीत पाई थी उसके अलावा तो जीती ही थी, तो इस बार आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, कैसे क्लीन स्वीप क्या करेंगे आप लोग, क्या किस एजेंडे के को लेकर के जाएंगे छात्रों के बीच में? जैसे कि हम लोग पिछली बार 2 सीटें जीते थे तो हमने 2 सीटों में रहकर भी हमने जो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी उससे ज्यादा काम किया, हमने एम्पावरमेंट के लिए काम किया, हमने वुमेन्स के लिए सेंट्री नापके JCB गए, उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने लाइब्रेरी के भी आवर्स एक्सचेंज कराए और हम दिल्ली मेट्रो के लिए लड़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हमारा स्ट्रगल जो है खत्म नहीं हो जाता और हमारा आगे के लिए भी मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग दिल्ली मेट्रो फेयर जो है कम करवा सके ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो मेट्रो से आते हैं वो लोग अपना जो किराया है जो इतना उन्हें एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो उसे कम देंगे ताकि उससे हम लोग स्टूडेंट जो है हमसे जुड़ेगा और आगे हमारे साथ भी देगा चुनाव में। ज्योति आप रहने वाली कहाँ की? मैं बेसिकली दिल्ली से ही रहने वाली हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। बिल्कुल बुलेट पॉइंट में अपना एजेंडा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और पूरे देश के छात्रों के लिए। विद्यार्थी परिषद का एजेंडा हमेशा एक काम कर रहा है, कार्य करने के लिए छात्रों की लड़ाई कर रहा है
अभी आपको पता है कि हमने सैनिटरी नैपकिन के लिए जैसे लड़ाई लड़ी, उसको जीएसटी फ्री करवाने के लिए भारतीय जाति परिषद ने 4 सेकंड के प्रांगण में 10 से 15 हज़ार छात्रों की रैली निकाली, और आज अगर जीएसटी फ्री है सैनिटरी नैपकिन तो भारतीय जाति परिषद के प्रयास के कारण है। दूसरी तरफ एनएसवाई के जो अध्यक्ष बनते हैं वो पूरे साल भर सिर्फ अपना नॉमिनेशन बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं कि किस तरह से वो लड़ाई झगड़े के और सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी कार्यकर्ता के सेक्सुअल हरासमेंट के केस में उन पर आरोप लगाती है। अखिल भारतीय जाति परिषद इस बार भी एक जो हमारा ताजा मुद्दा है कि मेट्रो में जिस तरह से रेट बढ़ा दिए गए मेट्रो के किराए के, क्योंकि भारतीय जाति परिषद के लिए संघर्ष पूरे साल भर करता भी आया है और इस साल भी करता रहेगा कि रेट मेट्रो के किराए कम किए जाए। रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, नए कॉलेज हॉस्टल खोले जाए इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है, और लड़ाई जरूरी आगे भी अपनी जारी रखी है। हमारी मांगें पूरी नहीं।